हेलो एवरीवन, तो आज हम बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी देखने वाले हैं और वो है आलू की पूरी। सबको बहुत ही पसंद आती है और अभी तो रेनी सीजन स्टार्ट ही हो रहा है, तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में ऐसे गर्मा गर्म फूली फूली सी और बहुत ही नरम वाली पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आज हम गेहूँ के आटे से बनाएंगे, उसके साथ ही इसको आप थोड़ा सा और हेल्दी कैसे बनाएं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो, इधर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, तो उसको मैंने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी एक घंटा हो चुका है, तो अभी मैंने छिलका निकाला और इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए, इधर हमारे आलू ग्रेट कर रेडी है। इधर मैंने लिए है बारीक वाली सूजी, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये है धना पाउडर, उसके बाद ये है धनिया, ये है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जीरा, हींग और अजवाइन, ये है स्वादानुसार नमक और ये है गेहूं का आटा। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ आपको आलू को जैसे मैंने फ्रिज में रखा वो स्टेप आपको स्किप नहीं करनी है। सो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी को। तो अभी हम क्या करेंगे, गेहूं का आटा लेंगे, उसमें हम सारे जो हमारे मसाले हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो डाल देंगे, जैसे कि मैंने रेड चिली पाउडर डाल दी, हल्दी डाल दी, के बाद ये हमारे सारे जो मसाले हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दिए वो हमने डाल दिया। इसमें आप एक्स्ट्रा आपके मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, तो उसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। उसके बाद मैंने डाल दी है सूजी, बारीक वाली सूजी लेनी है आपको। उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और ये जो बारीक कटा हुआ धनिया है वो मैंने डाल दिया है आलू के ऊपर। तो अभी ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे जो मसाले हैं अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए, मेरे सारे जो मसाले हैं मिक्स हो चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, ये आटा हम डाल देंगे आलू में। सो ये मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ, उससे पहले इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, एक भी आलू का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अभी ये आटा गया आलू में, अभी इसको पहले इसमें हम और एक चीज़ डालने वाले हैं और वो है एक चम्मच जितना घी, और तेल भी आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं। तो अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पहले से पानी नहीं डालना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बिल्कुल पूरी जैसा आपको आटा लगाना है इसका। तो ये देखिए, सो मेरा डो बनकर रेडी है, सिंपल सा पूरी जैसा मैंने डो बना लिया है। धीरे धीरे से पानी डालना है ताकि ज़्यादा सॉफ्ट डो ना बने। सो इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। सो इधर मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में रख दी है छन्नी। सो आलू की जो पूरी होती है वो तेल पी जाती है मैक्सिमम टाइम, सो वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो छोड़ती है बाद में जो फ्राई करके हम निकालते हैं, तो ऐसी छन्नी पर आप निकाल के रखिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है सब कुछ निकल जाता है। तो चलिए, अभी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैंने क्या कर दिया कि वो छन्नी भी रख दी और तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर। अभी मैंने एक लोई तोड़ ली, अच्छे से उसको हाथ पर सॉफ्ट कर लिया और इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे पूरी बना लेंगे उसकी। तो चलिए, मेरी पूरी अभी इधर रेडी हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो पहले हम तेल चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं। तो एक छोटा सा मैंने टुकड़ा डालकर देखा, तो गरम हो चुका है। मैंने डाल दी है इसमें पूरी और बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच से हम इसको प्रेस करेंगे और एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाने के बाद इसको हम फ्लिप करके दूसरे साइड से भी ब्राउन कर लेंगे। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फूल चुकी है हमारी पूरी और उतनी ही सॉफ्ट भी है, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी आगे। सो चलिए, मैं फटाफट से सारी पूरियां ऐसे ही बना लेती हूँ। सब कुछ अच्छे से फूलती है और बहुत ही नरम रहती है, ये देखिए। ये पूरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो चलिए, मेरी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी है,
तो अभी मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही नरम और सॉफ्ट है और बिल्कुल फूली फूली सी है। अभी बहुत टाइम हो चुका है तभी भी ये सब कुछ फूली फूली है। तो अगर आपको ये डीप फ्राई नहीं करनी है तो सीधे इसके एक रोटी बना लीजिए और तवे पे थोड़ा सा घी डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। विदाउट घी भी आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं उसे। ये भी बहुत ही नरम रहती है। ये भी मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंजॉय।